नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी नेट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर ये मेरा 7वां लेक्चर है और आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा जून 2010 का क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा सिद्धांत शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया है। शांति पर्व में दोस्तों 365 अध्याय है और इसमें सामाजिक समझौता एवं दिव्य अधिकार दोनों को शामिल किया गया है। मेनली इसमें डिवाइन थ्योरी की बात की गई है, देवीय अधिकार जो अधिकार सिद्धांत है उसकी मेनली बात की गई है, लेकिन सामाजिक समझौते की भी इसमें बात की गई है जो शांति पर्व का चैप्टर 65 है। गांधी के अनुसार लक्ष्यों और साधनों के बीच कोई संबंध नहीं है। लक्ष्य साधनों को उचित करते हैं, साधन महत्वपूर्ण नहीं है, लक्ष्य और साधन अंतः संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, इसको मुझे लगता है इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इजीली आपका ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, यह किसने कहा। ये कहा बेंथम ने। बेंथम ने बोला है राज्य क्या होना चाहिए, राज्य होना चाहिए अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, सार्वजनिक कल्याण विधेय का ध्येय होना चाहिए। किसने कहा व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया। तो इसका करेक्ट आंसर है रूसो। रूसो ने 1954 के अंदर एक लेख लिखा था ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, उसमें इन्होंने बताया है संपत्ति को असमानता का कारण। सामान्य से विशेष तक की कार्यवाही की पद्धति को कहा जाता है। दोस्तों, ये फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है, ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक थ्योरी क्या होती है। ये होती है आपकी आगमनात्मक विधि, सॉरी आगमनात्मक इंडक्टिव होता है, ये होती है निगमनात्मक विधि, डिडक्टिव मेथड। ठीक है, 5 का करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है। ये कहा था मार्क्स ने। मार्क्स बोलते थे कि विषय जो विश्व है ना, वो प्रत्येक अवस्था में, चाहे वो फ्यूडल हो, चाहे वो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी हो और चाहे वो प्रिमिटिव सोसाइटी हो, दोनों अवस्था में एक तो मटेरियल और दूसरी तरफ भविष्यवाणी। अगर मटेरियल में चेंज होता है, उत्पाद में कोई चेंज होता है, तो भविष्य में चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी उद्योग हमारे पास है, उद्योग है मतलब कैपिटलिज्म है, तो कैपिटलिज्म में अगर यहाँ पे चेंज होगा तो भविष्य में समाजवाद आएगा, मतलब भविष्यवाणी में भी चेंज आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि नैसर्गिक अधिकार होते हैं प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट। नेचुरल राइट की जो आलोचना है ये है डी, सॉरी बी। ये मानता है कि समाज से पूर्व अधिकार मौजूद थे, ठीक है। इसी आधार पर सभी थिंकरों ने इसकी आलोचना की है कि राज्य के बिना समाज हो ही नहीं सकता, सॉरी समाज से पहले अधिकार हो ही नहीं सकते हैं किसी भी हाल में, क्योंकि समाज तो समाज में ही आपको अधिकार मिलते हैं ना, समाज से बाहर तो आपको अधिकार नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संपत्ति का पात्रता हकदारी सिद्धांत एंटाइटलमेंट थ्योरी दी है रॉबर्ट नोजिक ने 1974 में यूटोपिया अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया के अंदर। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका संकेत करता है। यह संकेत है व्यक्तिवादी सिद्धांत का, राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10, ये असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। नीचे दो कथन दिए गए हैं,
ओ सॉरी, प्रजातांत्रिक समाजवाद विविधता में एकता को महत्व देता है, बिल्कुल देता है, विविधता में एकता जिसे भारत भी देता है। सांस्कृतिक बहुलवाद प्रजातांत्रिक संस्थाओं में के कार्यचलन में अड़चन डालता है। सांस्कृतिक बहुलवाद कभी भी अड़चन नहीं डालता है प्रजातंत्र में। जितना सांस्कृतिक बहुलवाद होगा उतने ज्यादा उसमें क्या होगी, कार्यचलन उसका ठीक होगा। तो यहाँ पे आर बिल्कुल गलत है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ए सही आर गलत। रॉबर्ट मर्टन द्वारा प्रतिपादित बड़े शहर में राजनीतिक मशीन की अवधारणा किसके साथ जुड़ी है? रॉबर्ट मर्टन है, इन्होंने सोशियोलॉजी के अंदर दी है फंक्शनल थ्योरी, ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो थ्योरी है वो सोशियोलॉजी के अंदर दी है रॉबर्ट मर्टन ने। क्वेश्चन नंबर 12, अल्प विकास के सिद्धांत का प्रस्तावक निम्नांकित में कौन है? अल्प विकास, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, तीसरी बार ये क्वेश्चन आ गया है। अल्प विकास, अल्प विकास से जुड़े हैं समीर अमीन। समीर अमीन के बाद इसमें जुड़ते हैं ए जी फ्रैंक, ठीक है, तो इसको नहीं भूलना आपने। क्वेश्चन नंबर 13, सरकार की निम्नांकित व्यवस्थाओं में से द्विसदनवाद किसकी अनिवार्य शर्त है? अब यहाँ पे सरकार की बोल रहा है, सिस्टम की नहीं बोल रहा है, ठीक है, ये सरकार की, तो सरकार में होता है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में दो सदन होना बहुत जरूरी है, एक रिप्रेजेंट करता है आम लोगों को और दूसरा करता है राज्यों को। क्वेश्चन नंबर 14, मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के निम्नांकित प्रकारों में से कौन सा आधुनिक नौकरशाही का आधार है? अब ये यहाँ पे आधुनिक नौकरशाही का आधार बता रहा है, ये है कानूनी विवेकपूर्ण, लीगल रैशनल, लीगल लीगल रैशनल बोला है। इन्होंने सिर्फ तीन प्रकार की जो है अथॉरिटी की बात की है, पारंपरिक अथॉरिटी, करिश्माई और कानूनी विवेकपूर्ण या लीगल रैशनल, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 15, सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है भारत में, ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था भी है भारत में, और बहुदलीय व्यवस्था यूनाइटेड किंगडम में भी है। मत संग्रह, मत संग्रह होता है स्विट्जरलैंड में, यथोचित विधि प्रक्रम है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ठीक है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व है भारत में, बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है यूनाइटेड किंगडम में, मत संग्रह होता है स्विट्जरलैंड में, और यथोचित विधि प्रक्रम है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी आपको सूची एक के साथ सूची दो को मैच करना है। रॉबर्ट ए डहल ने लिखी है डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स। फ्रांसिस फुकुयामा ने लिखी है एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। आर्मंड एंड पॉवल ने लिखी है सिविक ट्रेडिशन इन मॉडर्न इटली, और पुटनाम ने लिखी है सिविक कल्चर। सॉरी, ये बिल्कुल गलत कर दिया मैंने यहाँ पे, आर्मंड एंड पॉवल ने लिखी है सिविक कल्चर, डी का दो होगा, तो डी का दो यहाँ पे देखो तीन जगह है। उसके बाद फ्रांसिस फुकुयामा एंड ऑफ हिस्ट्री, सी का एक, डी का दो, सी का एक, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है। ए का चार है, रॉबर्ट ए डहल का डेमोक्रेसी एंड क्रिटिक्स, और बी का तीन है, पुटनाम ने लिखी है सिविक ट्रेडिशन इन मॉडर्न मॉडर्न इटली। देखते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यूएसए का सीनेट विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। बिल्कुल सही बात है, सबसे शक्तिशाली सदन है ये विश्व का। यूएसए में समस्त राज्यों को सीनेट में एक समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है,
क्या इसीलिए यूएसए का सीनेट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है कि सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व है? नहीं, ये इसका कारण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बी, ए और आर दोनों सही है, ठीक है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 18, हित समूह राजनीतिक तंत्रों में अपनी आवाज पहुंचाने और वहां के निर्णयकर्ताओं द्वारा अपने हितों की सुरक्षा हेतु प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, ठीक है। हित समूह राजनीतिक दलों को निरंतर समर्थन करते हैं। हित समूह, अब देखते हैं, मुझे इसमें कुछ डाउट है। सी, ए सत्य आर असत्य, ठीक है, तो इसका सही है, हित समूह राजनीतिक दलों को समर्थन नहीं देते हैं। हित समूह क्या होते हैं? सिर्फ अपने हितों के लिए काम करते हैं, वो राजनीतिक दलों को समूह नहीं देते, मतलब समर्थन नहीं देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा सी, ए सत्य आर असत्य। क्वेश्चन नंबर 19, यूएसए के निम्नांकित राष्ट्रपतियों का सही कालानुक्रम क्या है? इसके ऊपर मैंने ट्रिक डाली है, उसको भी आपने एक बार देख लेना है। तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पे है बी। सबसे पहले आपके आते हैं एक रूजवेल्ट, रूजवेल्ट के बाद आते हैं जॉन एफ कैनेडी 60s के अंदर, उसके बाद आते हैं जॉर्ज बुश सीनियर, और उसके बाद बिल क्लिंटन बनते हैं, ठीक है। तो 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित को सही अनुक्रम में लिखिए, सही अनुक्रम क्या होगा इसका, वो आपने चेक करना है। तो सबसे पहले देखो, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक ये हुई है 9 दिसंबर 1946 के अंदर, ठीक है। उसके बाद सेकंड, यूएसए में न्यू डील लेजिस्लेशन, यूएसए में न्यू डील लेजिस्लेशन, और न्यू डील लेजिस्लेशन हुई है 1933 में, और यूरोप में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी हुई है 1993 में, पिछले साल भी आया था ये। बाल्टिक राज्यों का सोवियत यूनियन में विलय हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1920 में। तो इसका सही आंसर यहाँ पे होगा बी। सबसे पहले बाल्टिक राज्यों का सोवियत यूनियन में विघटन हुआ था 1920 में, उसके बाद आपकी यूएसए में न्यू डील लेजिस्लेशन 1933 में, उसके बाद भारत की संविधान सभा 1946 में, और मैसाचुसेट्स ट्रीटी हुई है 1993 में। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होता है? बिल्कुल नहीं, वो दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर यहाँ पे बी है। दलित पैंथर मूवमेंट हुआ था महाराष्ट्र से शुरू। क्वेश्चन नंबर 23, पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नांकित में से किस स्थिति पर जोर दिया था? पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने जाति को महत्वपूर्ण बनाया था, इसीलिए ओबीसी बोला जाता है, अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। लेकिन उन्होंने इसमें क्या है, जाति के ऊपर ज्यादा फोकस किया था। 2004 में यूपीए सरकार का गठन केंद्र में हुआ था, ठीक है। तो सीपीआईएम ना तो उसके साथ मिली हुई थी, वो सिर्फ बाहर से समर्थन कर रही थी सीपीआईएम यूपीए के दौरान। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत सिंपल है, वित्त आयोग है आर्टिकल 280 में, वित्तीय आपातकालीन है 360 में, राज्यसभा 312 के अंदर, और ये राज्यसभा की स्पेशल पावर की बात की गई है आर्टिकल 312 के अंदर, संवैधानिक संशोधन है 368 के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी आपको मैच करना है। मार्ले मिंटो, मिंटो पहले आए और मॉन्टफोर्ड बाद में आए।
मार्ले मिंटो हुआ है 1909 में, मॉन्टफोर्ड हुआ है 1919 में। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चलाया गया है 1905 में और होम रूल लीग की स्थापना हुई है 1916 के अंदर। तो 26 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित का सही कालानुक्रम अनुक्रम बताइए। 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ है 1976 के अंदर, एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य का केस आया था 1950 के अंदर, आंतरिक आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई है 1975 के अंदर, और केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 के अंदर। तो 27 का करेक्ट आंसर यहां पे है सी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नांकित का भारत का प्रधानमंत्री बनने का सही कालानुक्रम बताइए। अब देखो ये प्रधानमंत्री दोबारा से रिपीट हो गए, लास्ट ईयर भी आया था और इस ईयर भी आ गया है। तो यहाँ पे देखिए लाल बहादुर शास्त्री 1965 तक प्रधानमंत्री रहे, 63 से 65 तक, और मोरारजी देसाई 77 से 79 तक। उसके बाद बने आपका थर्ड बने हैं आपके चरण सिंह, आपके चौधरी चरण सिंह, और सबसे लास्ट में बने हैं वीपी सिंह 1990 में। तो इसका करेक्ट आंसर यहां पे होगा बी। क्वेश्चन नंबर 29, मौलिक अधिकार लोगों के लिए संविधान में प्रतिष्ठापित है। बिल्कुल सही बात है, ये संविधान में प्रतिष्ठापित है तीसरे चैप्टर के अंदर। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर लोग न्यायालयों में अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये संविधान में अंकित है, क्या इसीलिए न्यायालय में अपील उठा सकते हैं लोग? क्या यही कारण है कि वो संविधान में तो और भी अधिकार अंकित किए गए हैं? तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर बी है। ये मौलिक अधिकारों के मतलब जो संविधान में प्रतिष्ठापित क्यों किए गए, अगर उसकी यहाँ पे व्याख्या होती तो ये बिल्कुल ए होना था इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत संघ और राज्यों के बीच वैधानिक सत्ता को विभाजित करने की 3 सूचियां हैं। बिल्कुल सही है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। भारत में संघीय व्यवस्था है, बिल्कुल सही, क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था है, क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था है इसलिए शक्तियों को विभाजित किया गया है 3 सूचियों के अंदर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 31, विकास प्रशासन को लक्ष्य उन्मुख और परिवर्तन उन्मुख के रूप में किसने परिभाषित किया। दोस्तों 3 बार आया है, 2017 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया है। इसका करेक्ट आंसर है एडवर्ड विडनर नव लोक प्रशासन से या विकास प्रशासन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण चिंतक हैं। लोक प्रशासन में लाइन एवं स्टाफ एजेंसियों की अवधारणा कहाँ से उधार ली गई है? लाइन और स्टाफ ली गई है सैनिक प्रशासन से, मिलिट्री से ली गई है ये। क्वेश्चन नंबर 33, FW टेलर की वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा की आलोचना किसके द्वारा की गई? श्रम संघ द्वारा ने भी की है इसकी, श्रम संघ ने भी इसकी आलोचना की है, लेकिन थोड़ी बहुत। प्रबंधक ने नहीं की है। लोक प्रशासन के क्लासिकीय सिद्धांत तक तो ये खुद है, तो इन्होंने नहीं की है खुद अपनी आलोचना। ये मानव संबंध सिद्धांत तक, जो मानव संबंध के सिद्धांतकार थे उन्होंने कड़ी आलोचना की है वैज्ञानिक प्रबंध की। भारत में योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? तो ये हुआ है मार्च 1950 में। भारत में नागरिक सेवा की भर्ती किसकी सिफारिशों पर आधारित है? तो नागरिक सेवा जो सिविल सर्विसेज है वो लॉर्ड मैकाले की सिफारिशों के आधार पर चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, विभिन्न विभागों के बीच आने जाने वाली सूचना क्या है? विभिन्न विभागों के बीच जो आती है ना डायरेक्टली, वो होती है पार्श्वव्यूह, लेटरल कम्युनिकेशन। जैसे ए बी के साथ, बी सी के साथ, सी ए के साथ,
डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर रहे हैं या सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं। ऊर्ध्वमुखी में क्या होता है? ऊर्ध्वमुखी में होता है सूचना ऊपर से नीचे की ओर आती है, मतलब मैनेजर से नीचे आएगी और हर विभाग में जाएगी। अधोमुखी होती है नीचे से ऊपर, मौखिक होता है आप जो बोल के कर रहे हो। भारत में आकस्मिक निधि के ऊपर किसका अधिकार होता है? तो ये राष्ट्रपति का अधिकार होता है कॉन्टिजेंसी फंड के ऊपर। निम्नांकित सिद्धांतों के प्रकट होने का सही क्रम बताना है आपको, तो ये भी चौथी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले आता है क्लासिकल थ्योरी, उसके बाद आती है मानव संबंध सिद्धांत 1930 के अंदर, ये 1910 के अंदर आई है क्लासिकल थ्योरी। मानव संबंध सिद्धांत आया 1927 से लेके आता है, लेकिन 30 में माना जाता है। उसके बाद आता है निर्णयन सिद्धांत, और सबसे बाद आता है सार्वजनिक विकल्प चयन, जो आपका विकल्प सिद्धांत। तो 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी, 3, 2, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें भी आपको मैच करना है। करिश्माई सत्ता, अब देखो ऊपर अगर आपने देखा होगा तीन प्रकार की अथॉरिटी की बात की है मैक्स वेबर ने। प्रशासनिक व्यवहार मतलब बिहेवियरलिज्म से जुड़े हैं साइमन, हर्बर्ट साइमन के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। विकास प्रशासन, विकास प्रशासन से जुड़े हैं वीडनर, वैसे रिक्स भी जुड़े हैं इसके साथ, लेकिन यहाँ पे प्रिज्मेटिक सोसाइटी दिया है, तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी दिया है रिक्स ने। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, विकास प्रशासन रिक्स ने भी दिया है, ये भी इसके चिंतक है, लेकिन इसमें वीडनर इसके साथ ज़्यादा मैच हो रहे थे क्योंकि प्रिज्मेटिक सोसाइटी भी हमारे पास है। तो 39 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए, ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, लोकपाल की संस्था सरकार के सर्वोत्तम प्रयत्नों के बावजूद आज तक स्थापित नहीं हो पाई है, क्योंकि क्योंकि भारत की संसद में राजनीतिक दल सर्वसम्मति नहीं बना पाए हैं, लोकपाल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण नहीं आने देना चाहते क्योंकि वो लोग पकड़े जाएंगे भ्रष्टाचार के अंदर। तो ये बिल्कुल सही इसकी व्याख्या कर रहा है कि लोकपाल की संस्था क्यों नहीं आई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 41, शीत युद्ध का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बर्नार्ड ब्रूच ने। क्वेश्चन नंबर 42, यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की उद्घोषणा की थी 10 दिसंबर 1948 को, इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग का प्रधान कार्यालय है बैंकॉक में, बैंकॉक में, ठीक है। समस्त के लिए एक और एक के लिए समस्त, यह कथन निम्नांकित में से एक लेखक द्वारा सामूहिक सुरक्षा के लिए दिया गया है, तो ये है रियलिस्ट थिंकर हैंस जे मोर्गेंथू। निम्नांकित का सही कालानुक्रम अनुक्रम क्या है? कोडों में बताएं, और ये भी आपके बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे सम्मेलन और चार्टर है, तो इसको भी आप नहीं भूलना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अटलांटिक चार्टर, अटलांटिक चार्टर हुआ है 1941 में, ब्रिटन वुड सम्मेलन हुआ है 1944 के अंदर, और उसके बाद है आपका कासाब्लांस सम्मेलन, कासाब्लांस सम्मेलन हुआ है 1943 के अंदर, और याल्टा सम्मेलन हुआ है 1945 के अंदर, 1945 के अंदर। तो इसका 45 का करेक्ट मैच यहाँ पे होना चाहिए 1, 3, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 46, मॉर्टन कैपलान द्वारा दिए गए मॉडलों प्रारूपों का सही कालानुक्रम अनुक्रम क्या है? कोडो से उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहले इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था या मॉडल दिया था वो था शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ
पावर, बैलेंस ऑफ पावर के बाद इन्होंने दिया था शिथिल ढीली ढाली द्विध्रुवीय व्यवस्था, उसके बाद सुदृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था, और सबसे लास्ट में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। दोस्तों जो मॉर्टन कैपलान है ये इंटरनेशनल थ्योरी के अंतर फादर माने जाते हैं सिस्टम अप्रोच के। इंटरनेशनल थ्योरी में इन्होंने सिस्टम अप्रोच का यूज किया है और ये सिस्टम अप्रोच के ही पार्ट है। तो इसके ऊपर मैं, अगर मुझे टाइम लगा तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो 46 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ए। क्वेश्चन नंबर 47, फरक्का बांध, फरक्का बांध की जो समस्या है वो है भारत और बांग्लादेश के बीच। 1-2-3 आणविक समझौता, अब ये लास्ट ईयर भी आया है, आणविक समझौता ये हुआ है भारत और यूएसए के बीच, न्यूक्लियर जो आपकी ट्रीटी हुई है। श्री माओ शास्त्री समझौता हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच, और शांति एवं मैत्री संधि हुई है भारत और नेपाल के बीच 1950 में। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें ये थिंकर दिए हैं और इनके कॉन्सेप्ट या बुक्स ये आपको यहाँ पे मैच करनी है। तो 48 का जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूँ ये है ए, ए का एक। इनिस क्लॉड ने लिखी है पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशन, पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशन। के जे हॉल्सी ने लिखी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है समझने के लिए, आपकी लाइब्रेरी में इजीली मिल जाएगी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत ही आसान वे में के जे हॉल्सी ने समझाया है। उसके बाद है ए लेरोय बर्नेट, बर्नेट ने लिखी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड इश्यूज, और के नॉर और जे एन रोसेना ने लिखी है कंटेंडिंग अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 49, ये भी आपको मैच करने के लिए आया है। यथार्थवादी रियलिस्ट के लिए राष्ट्रीय हित को प्रोन्नत करने के वास्ते सत्ता की बेरहम तलाश प्राकृतिक नियम की स्थिति है, बिल्कुल। यथार्थवादी हमेशा राष्ट्रीय पावर को, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय पावर जो है उनकी, जो उनका राष्ट्रीय हित है, राष्ट्रीय हित को वो प्राइम मानते हैं, प्रथम मानते हैं, और राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए वो हमेशा सत्ता या पावर की खोज करते रहते हैं, ठीक है। वे दृढ़ता पूर्वक मानते हैं कि नैतिक एवं कानूनी उपाय अप्रासंगिक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकार कराते हैं कि इसमें उन्हें इच्छा से हटा सकते हैं। इसको आप, ये जो दोनों यहाँ पे असर्शन और रीजन दिए गए ये हैंस जे मॉर्गेंथू के 6 प्रिंसिपल्स में से हैं, ठीक है, मॉर्गेंथू के 6 प्रिंसिपल। तो ये ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है, इसका है ए। क्वेश्चन नंबर 50, यूएनओ के सदस्य मानवाधिकारों के अनुपालन के लिए समान सम्मान बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध है, बिल्कुल। यूएनओ के सदस्य है मानवीय जो मानव अधिकार है उनके पालन में लिहाज बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी का मानवाधिकारों की रक्षा की जाएगी। मानवाधिकार अहस्तांतरीय नैसर्गिक स्वतंत्र और अविभाज्य है, वे मानवीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने के माध्यम है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि मानवीय अधिकार अहस्तांतरीय है कि मानवीय अधिकारों का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं किया जा सकता है, ये प्राकृतिक भी है और स्वतंत्र और अविभाज्य भी है, इनका विभाजन नहीं किया जा सकता है, इसीलिए यूएनओ के सदस्य मानवाधिकारों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।